लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी चरण में है। छठवें चरण में 25 मई को वोटिंग होगी, वहीं 4 जून को रिजल्ट आने हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं इस बीच अमेरिका के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ यान ब्रेमर ने बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है। यान ब्रेमर ने कहा है, 4 जून को एक बार फिर भारी मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम बनेंगे। आज के समय में राजनीतिक भारत के मामले में सबसे ज्यादा स्थिर देश है। उन्होंने अपने दावे के साथ कहा कि बीजेपी को चुनाव में 305 सीटों के साथ जीत हासिल होगी। बता दें, हाल ही में राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीजेपी इस बार 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें ला सकती है, क्योंकि मतदाताओं में पीएम मोदी के खिलाफ कोई अहम असंतोष नजर नहीं आ रहा है। देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इसके साथ ही यान ब्रेमर ने भारत की सफल अर्थव्यवस्था को लेकर भी भविष्यवाणी की है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ब्रेमर ने कहा कि भारत दुनिया को आज जमीन पर बहुत ही स्थिर व्यवस्था का संदेश दे रहा है। मुझे लगता है कि भारत अगले साल तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साल 2028 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके आगे यान ब्रेमर ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के आम चुनाव दुनिया भर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक मिसाल प्रकट कर देते हैं। आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होने थे, जिनमें से 5 चरणों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में लोकसभा चुनाव सोमवार 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर हुए। वहीं 25 मई को छठे चरण के लिए वोटिंग की जाएगी। 1 जून को आखिरी चरण के मतदान होंगे, वहीं 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे।